कहते हैं अनुपम खेर को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला है। 5 फरवरी को पाकिस्तान साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अनुपम खेर को कराची जाना था। 18 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, 17 लोगों को तो वीजा दे दिया गया, लेकिन अनुपम खेर को वीजा नहीं दिया गया है। और इस पर अनुपम खेर का कहना है कि मैं बहुत निराश हूं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 18 लोग अप्लाई करते हैं, 17 लोगों को वीजा मिल जाता है, सिर्फ एक अनुपम खेर को वीजा डिनाई कर दिया जाता है पाकिस्तान का, वजह क्या बताई गई है वीजा डिनाई करने के लिए? और देखिए, वजह अब तक साफ नहीं हो पाया था ना कि क्या बताई गई है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि खुद अनुपम खेर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्हें वीजा नहीं दिया गया है। 18 लोगों का डेलीगेट जा रहा था, 18 लोगों में यह भी शामिल थे, लेकिन 17 लोगों को वीजा दे दिया गया और 6वें व्यक्ति यानी अनुपम खेर से इन्हें वीजा नहीं दिया गया है। जैसा कि 5 फरवरी को साहित्य कराची साहित्य सम्मेलन है, उसमें इन्हें भाग लेना था और यह काफी निराश है, कहना है कि काफी मैं निराश हूँ कि मुझे वीजा नहीं दिया गया है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास अभी आ रही है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि अभी पूरी तरह से हमने मना नहीं किया है, हम उनके वीजा पर रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करना है। लेकिन कहीं कहीं यह साफ हो चुका है, जो अनुपम खेर बतौर अगर हम अनुपम खेर बात करें, अनुपम खेर ने साफ कर दिया कि उन्हें वीजा नहीं मिला है, यानी उन्हें जाने की जो उम्मीद है वह कह सकते हैं कि कहीं कहीं खत्म हुई है। और शायद हो सकता है इसके पीछे जो तमाम काफी दिनों से जो एक हिंदुत्व को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं अनुपम खेर, तमाम एक ट्विटर वार देखा होगा बीच में आपने, शशि थरूर और इनके बीच में हुआ था, तमाम इन सब बातों को लेकर हो सकता है कि सर इनके वीजा पर मुहर न लगाई हो कराची। अभिषेक, यानी कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन का कहना है अभी भी विचार हो रहा है अनुपम खेर के वीजा को लेकर, लेकिन अनुपम खेर कह रहे हैं कि मैं बेहद निराश हूं।